एंड वेलकम अगेन दोस्तों। एडिसन ने कहा था, कामयाब इंसान वही है जो हजार बार हार कर भी एक बार फिर से नई कोशिश करता है। तो ऐसा मूवी देख के आया हूँ, ज्ञान की बातें थी तो फेंक दिया। चलो मूवी रिव्यूज करते हैं। द आर्चीज करके एक नई मूवी आई है भाई, नेपोटिज्म की शिकार इस मूवी को कह सकते हैं क्या, वो आगे जाके आप खुद तय कर लेना। तो नए चेहरे, तीन चेहरे डेब्यूट हुए हैं इस मूवी में भाई। फेमस स्टार किड हैं अगस्त्यानंदन, हमारे अमिताभ बच्चन के पोते हैं, एंड सुहाना खान अपने किंग खान शाहरुख खान की बिटिया रानी, एंड बोनी कपूर एंड श्रीदेवी की दूसरी औलाद खुशी कपूर, उसका डेब्यू इसमें हुआ है। ये तीन फेमस चेहरे हैं। द आर्चीज करके मूवी आई है नेटफ्लिक्स पर। क्या है क्या नहीं है सब चीज़ों पर एक एक करके नज़र मारेंगे क्या। अगर बाकी इन तीनों का नाम सुनने के बाद थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया होगा कि यार जाते हैं मूवी देखते हैं क्या होता है, लेकिन दो मिनट रुको, रिव्यू देते हैं, उसके बाद खुद तय कर लेना देखना है कि नहीं देखना है, क्योंकि बहुत बकैती है। उससे पहले क्या कर रहे हैं, वीडियो को एक लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। रिवरडेल करके एक वेब सीरीज आई थी जिसके 7 सीजन हैं भाई, वहाँ से पूरा कैरेक्टर डिक्टो कॉपी कर लिया यार इन्होंने, कैरेक्टर्स के नाम तक चेंज करने की कोशिश नहीं करी, इतना आलसपना है। मतलब वेरोनिका लॉज, बैटी कूपर, स्मार्टेस्ट कास्ट में अगर कोई वेब सीरीज थी तो रिवरडेल का नाम आता था, जो उस चीज़ को डिक्टो कॉपी करने की कोशिश करी है द आर्चीज में, फुल स्मार्टेस्ट कास्ट को लाने के लिए। भाई बैटी कूपर को खुशी कपूर का रोल दे दिया यार। यार बैटी कूपर वो रिवरडेल की मेन लीड कास्ट थी, जो मेरा क्रश थी, जिसने रिप्लेस किया था कैथरीन लैंगफोर्ड को, बट नाउ माय क्रश इज लाना रोज। तो द आर्चीज करके नोबल है, आर्ची कॉमिक्स है जिसके कैरेक्टर्स को यहाँ पर उठा के रखा गया है। मतलब बहुत कुछ, कुछ वहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, और उसके बाद जो नोबल की कहानी है उसे अपना देसी पना डाल दिया है। 60s के टाइम की कहानी है, इंडिया में रिवरडेल करके एक जगह बना दी गई है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, फिक्शनल है। तो कहानी है ग्रीन पार्क को लेकर, जहाँ पर ग्रीन पार्क को हटाकर एक ग्रैंड होटल सेट करना चाहते हैं कुछ एक बिजनेसमैन, जिसमें से एक आध उनके पिताजी भी होते हैं, जो टीनेजर, मतलब जो हाई स्कूल टीनेजर्स को लेकर कहानी को डेरिवेट किया गया है। मतलब ये टीनेजर इस पार्क को लेकर काफ़ी कंसर्न जताते हैं और बहुत ही गुत्थम गुत्था प्रयास करते हैं, जिनमें से जो एक बिजनेसमैन है वो इसी एक टीनेजर का पिताजी होता है। कहानी स्पॉइल नहीं करूँगा बहुत कुछ, अगर आपको इसके बाद भी मूवी देखने का मन कर गया तब ऊपर से बताते हैं क्या है क्या नहीं है, अच्छा है। तो कहानी बस इसी के ऊपर चलने वाली है। हाँ, कॉमेडी के नाम पर ये मूवी बोलने वाले थे, पर ऐसा लगा नहीं कि हमें कहीं कॉमेडी देखने को मिली है। हाँ, म्यूजिकल ड्रामा है, बहुत सारा जगह जगह पर गाने आपको मिलते रहेंगे, हर 10 मिनट 12 मिनट के बाद आपको इतने गाने मिलने वाले हैं। मतलब एक बात मैं बताना चाहूंगा कि कुछ एक जो मूवीज होती है ना, जो भाई सभी के लिए नहीं होती है, वो ये मूवी है जो सभी के लिए तो नहीं है। खासकर जो एनिमे पसंद करते होंगे, खासकर जो ऐसी चीज़ें पसंद करते होंगे टीनेजर्स वाली, जो म्यूजिकल ड्रामा पे, और भी जो हॉलीवुड की मूवीज आया करती थी, अभी शायद बॉलीवुड में ये स्टार्ट हो रहा है ये एरा, फर्स्ट मूवी देखने को मिली है मुझे ये वाली, इससे पहले भी आ चुकी हैं, लाइक वर्ल्ड फेमस ब्यूटी एंड द बीस्ट जो आई थी, तो उसी के हिसाब से वैसा ही इसका थीम है, इसका कॉन्टेक्स्ट है इस मूवी का भी। तो वही चीज़ की सभी को तो खैर ये मूवी पसंद नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ खास है कि स्टार किड्स आपको दर्जनों के हिसाब से देखने को मिलने वाले हैं, बड़े बड़े चेहरे, जिनमें से मेन तीन चेहरे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में बता ही दिया है, अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्यानंदा एंड खुशी कपूर, बोनी कपूर की दूसरी बिटिया, एंड अपने किंग खान शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, जिन्होंने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ कि इन स्टार किड्स ने अपने डेब्यूशन में फाड़ के एक्टिंग करी है और ज़बरदस्त काम किया है। स्टोरी लाइन अगर कहें तो भाई इतनी दमदार कोई है नहीं, क्योंकि तोड़ मरोड़ के कहानी बनाई गई है, नोवेल में जो कहानी थी उसके हिसाब से उसको सेट कराया गया है, उसमें कुछ एक देसी बना डाल दिया है, कुछ एक चीज़ें यहाँ वहाँ से चुरा के डाल दिया है। तो स्टोरी लाइन खैर उतनी दमदार नहीं है, जिस हिसाब की लेंथ है खैर उतनी लेंथ इसकी होनी नहीं चाहिए थी, अगर छोटी सी लेंथ भी होती तो मूवी सूटेबल होती, इतना बोरिंग नहीं आती एक हिसाब से देखे तो। हाँ, 60s का माहौल सेट कर रखा है, जो छोटी सी छोटी चीज़ें बारीकी से सेट करके रखा है, और वो A1 है, वो सब चीज़ें दमदार हैं। मतलब वो डांस म्यूजिक में वो रिदम वगैरह जो म्यूजिक उस टाइम पर चलता था उसको कॉपी करना, उस टाइम का जो डांस चलता था, डांसिंग कोरियोग्राफी बड़ी सॉलिड हुई है। फिर छोटी सी छोटी चीज़ें, साइकिल व्हीकल्स का इस्तेमाल करना, छोटे मोटे पार्क से छोटी छोटी इंसिडेंट्स, एंड वो कलर सैचुरेशन, वो सब चीज़ें दमदार है।
मूवी अगर देखा जाए तो ठीक है, बढ़िया है, वन टाइम वॉचेबल है अगर, हाँ, लेकिन वही चीज़ कि भाई म्यूजिकल ड्रामा मूवी अगर आपको पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें दर्जनों के हिसाब से आपको गाने मिलने वाले हैं, तो इस मूवी को खैर मत देखिएगा। अरे इससे मिलता जुलता आप इंटरेस्ट रखते हैं, एनिमे मूवी का शौक है, एनिमेशन का शौक है, और ऐसी भी चीज़ें आप देखते आए हैं, तो बस आपके लिए ये मूवी है। बाकी दैट्स माई रिव्यू, मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।